नमस्कार दोस्तों, लेखास किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों का स्पेशल गाजर का हलवा। गाजर का हलवा किसे पसंद नहीं आता, और सर्दियों में ये गर्मा गर्म मिल जाए तो कहना ही क्या। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये खाने में बहुत टेस्टी होगा। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिए और गारंटेड आपके किचन में भी ये हलवा ऐसे ही बनेगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर लिया है, जिसे मैंने धो के छील के ग्रेट कर लिया है। 1/2 लीटर दूध लिया है, घी है, 200 ग्राम की लगभग चीनी ली है, खोया लिया है, कुछ बादाम लिए हैं और इलायची। सबसे पहले कढ़ाई गैस पे रखते हैं और इसमें हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। ये घी में हमने गाजर डाल दी है ग्रेट की हुई अपनी, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। गाजर को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और गाजर आप देख सकते हैं गल गई है। अब हम इस पर चीनी ऐड करेंगे। मैंने चीनी ली है, धीरे धीरे ऐड कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम और नई नई रेसिपी लाते रहें आपके लिए। तो देखिए आप ये कैसे चीनी या पानी छोड़ चुकी है अपना। आप इसको लगातार चलाते रहें और थोड़ी सी आप इसकी फ्लेम तेज़ कर दीजिए और इसको लगातार चलाते रहिए, नहीं तो आपका हलवा है जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गाजर और चीनी अच्छे से आपस में मिल चुके हैं, और आप देखिए गाजर का कलर भी कितना सुंदर हो गया है, पहले से रेड हो गया है बिल्कुल। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। फुल फ्लेम में आप थोड़ी देर इसको पकाइए। आप इसको तब तक पकाते रहें जब दूध पूरा पक ना जाए, और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि आपका ये हलवा जले ना। इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हलवा पूरी तरह पक चुका है। हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। ऊपर से घी डालने से और अच्छा टेस्ट हो जाता है हलवे का। और एक ड्राई फ्रूट जो हमने बादाम काटे थे ये हम ऊपर से डाल देंगे। थोड़े से बादाम मैंने बचा दिए हैं गार्निश करने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे इसकी और अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हलवा, और दोस्तों यकीन कीजिए जितना ही टेस्टी ये दिखने में लग रहा है उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी ये खाने में होगा। ये देखिए ये हलवा हमारा पूरी तरह से रेडी है। हम इसे सर्व करते हैं।